प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में एक तरफ जहां मरीज बेड के लिए चक्कर घिन्नी हो रहे हैं, वहीं अत्याधुनिक तकनीक से बना 100 बेड का वार्ड मरीजों का करीब 6 महीने से इंतजार कर रहा है। जी हां, ये कोई आरोप तो नहीं है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के कुप्रबंधन की बानगी की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए बांगड़ परिसर की बिल्डिंग के ऊपर 6 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक तकनीक का प्री फैब्रिक वार्ड बनाया गया। वार्ड को बने हुए 6 से 8 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उसे मरीजों के लिए शुरू नहीं किया गया। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रशासन की लापरवाही से धूल फांक रहा है 6 करोड़ रुपया से तैयार प्री फैब्रिक वार्ड। करीब करीब सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, कुछ हमारे व्यवधान आ रहे थे तो फिर हमने मेडिकल सुप्रिंट साहब के साथ बात करके, डॉक्टर अचल शर्मा से बात करके, उसमें एक मेन व्यवधान ये आ रहा था कि जिस फ्लोर पे प्रीफैब वार्ड बना है नए बांगड़ में, न्यू बांगड़ बिल्डिंग में, उसमें ऊपर तक रोगी के जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, तो उसी के चलते हुए हमने एक नई लिफ्ट का निर्माण कराया है। साथ में हमारी ये भी कोशिश है कि नई बिल्डिंग को पुराने बांगड़ की बिल्डिंग से हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते के अंदर ये वार्ड स्टार्ट कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि राजस्थान में चिकित्सा सुविधाएं जो हैं वो अव्वल दर्जे की मिले, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, करोड़ों का बजट खर्च किया जा रहा है और उस बजट के सर्वाधिक अगर बजट देखा जाए तो SMS मेडिकल कॉलेज, खासतौर पर SMS अस्पताल पर फोकस दिया जा रहा है। और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में प्री फैब्रिक वार्ड जो है वो तैयार किया गया है, न्यूरोलॉजी विंग के ऊपर ये बांगड़ के ऊपर ये प्री फैब्रिक वार्ड जो है वो तैयार किया गया, तकरीबन करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया जो प्री फैब्रिक वार्ड है ये 8 महीने पूरे हो चुके हैं, 8 महीने से ये तैयार पड़ा है, लेकिन इसको जो इंतज़ार है वो इस बात का है कि जो मरीज हैं वो यहाँ पे आए, यहाँ पे ट्रीटमेंट ले, उसके लिए तमाम तैयारियाँ जो है करीब 6 से 7 महीने पहले शुरू की गई थी। उस वक्त हमने हमारे दर्शकों को बताया था किस तरह से ये वार्ड जो है आम जन के लिए, खासतौर पर मरीजों के लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा, यहाँ पर सुविधाएँ मिलेगी, लेकिन अभी इस वक्त की स्थिति में आपको दिखा रहा हूँ, मैं कैमरा पर्सन नरेंद्र को दिखाएंगे किस तरह से हालात जो है 8 महीने से ये वार्ड जो है प्री फैब्रिक वार्ड है वो मरीजों का इंतजार कर रहा है, जिसी के कारण जितने भी वार्ड के अंदर जो बेड लगाए गए हैं वो धूल फांक रहे हैं और यहाँ पर जो तैयारियाँ जो है वो अभी तक भी पूरी नहीं कर पाए हैं, इसी के चलते अभी तक यहाँ पर जो वार्ड है वो शुरू नहीं हो पा रहा है। हालांकि अभी दावा किया जा रहा है कि ये वार्ड 1-2 दिन के अंदर शुरू किया जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि पिछले 7 से 8 महीने तक जब पूरी तैयारियाँ कर ली गई थी, सारा तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया था, उसके बावजूद अभी तक ये वार्ड क्यों नहीं शुरू किया गया, इस बारे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका हम पक्ष लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से ये 100 बेड का पूरा प्री फैब्रिक वार्ड जो है तैयार किया गया था, अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया ये पूरा वार्ड जिसमें कि 100 बेड हैं, और इसमें अभी तक जो चर्चा है उसमें ये है कि कार्डियोलॉजी विंग जो है उसको यहाँ शिफ्ट किया जाना है, यानी कि हार्ट के मरीज हैं वो यहाँ शिफ्ट किए जाएंगे, उसके लिए अब तैयारी शुरू कर दी गई। मैं आपको बताऊंगा कैमरा पर्सन की स्टाफ जो है उसको भी अभी यहाँ लगाया जा रहा है, आज ही नर्सिंग स्टाफ जो है वो यहाँ भेजा गया है ताकि यहाँ की व्यवस्थाएँ की जाए, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि ये वार्ड जो है ये कब तक शुरू किया जाएगा। ऐसे में जो मरीज कार्डियोलॉजी और अन्य स्पेशलिटी के मरीज है जो कि दूसरे वार्डों के अंदर परेशान हो रहे हैं, उन लोगों को अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद यही है कि अभी जो प्रीफेरिक वार्ड है इसको लेकर जो जिम्मेदार लोग हैं वो सक्रियता दिखाएंगे और जल्द से जल्द इसको शुरू करेंगे ताकि जिस मंशा से ये प्रीफेरिक वार्ड शुरू किया गया था उस मंशा के अनुरूप मरीजों को राहत मिल सके। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।